सबक देना अपनी मदद आप अहम अल्फाज मटकती ठूं निवाला छुटकारा नादान। साद और मारिया ने एक मुर्गी पाली हुई है। मी मुर्गी के चूजे मजे से सेन में दाना चुग रहे थे कि कहीं से एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और चूजों के दरमियान बैठ गई। उसे बैठे हुए काफी देर हो गई तो मारिया को हैरानी हुई कि ये चिड़िया चली क्यों नहीं जाती। बी मुर्गी जो दूर से चिड़िया को देख रही थी मटकती हुई आई और चिड़िया को ठूंग मारकर कहने लगी, अरे तुम कब से यहाँ बैठी हो? क्या यहीं रहने का इरादा है? चलो शाबाश अपने घर को जाओ। कोने पे बैठी बूढ़ी बिल्ली कहने लगी, बी मुर्गी ऐसे ना कहो, ये तो हमारी मेहमान है, इसकी तो खिदमत करनी चाहिए। ये कहते ही बिल्ली चिड़िया की तरफ लपकी। दरअसल वो चिड़िया को अपना शिकार बनाना चाहती थी। बेचारी चिड़िया खौफ से थर थर कांपने लगी। चिड़िया बिल्ली के डर से अपनी जान बचाकर खिड़की में बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डब्बू कुत्ता वहां आ गया। वो अपनी लाल आंखों से चिड़िया को घूरने लगा। चिड़िया निहायत खौफ ज़दा हो गई। उसकी आंखों पर आंसू भर आए। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मेरी मदद कर। चिड़िया ये बात भूल गई थी कि अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो हिम्मत से काम लेते हैं और कोशिश करते हैं। दिन भर नन्ही चिड़िया भूखी प्यासी डर के मारे कांपती वहीं बैठी रही। उसका दिल जोर से धक धक कर रहा था, जैसे बंद ही हो जाएगा। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। उसने फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे पानी का एक कतरा ही पिला दे, या फिर किसी तरह यहाँ से निकाल दे। वो सोच रही थी कि खिड़की से निकलूंगी तो बिल्ली या कुत्ते का निवाला ही ना बन जाऊं। लो अब तो रात हो गई, अंधेरा छा गया, आसमान पर तारे चमकने लगे। घर का मुलाजिम खिड़की के पास लगा बल्ब जलाने आया तो चिड़िया सहम कर कोने में दुबक गई। चिड़िया आंखें बंद किए खामोशी से बैठ गई। उसे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिड़िया की आंखों पर में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगी, हाय अब मैं क्या करूं? नादान नहीं जानती थी कि वो अपनी इस मुश्किल से खुद छुटकारा हासिल कर सकती थी। ऐसे ही रात भीग गई। सूरज मियाँ मशरिक से अपनी किरणें फैलाए आसमान पर आ गए। चारों तरफ सुबह का उजाला फैल गया। साथ ने चिड़िया को खिड़की में बैठे देखा तो अफसोस से बोला, लगता है चिड़िया का पर टूट गया है, शायद इसी वजह से यहाँ बैठी है, बेचारी उड़ नहीं सकती। ये कहकर वो तो यहाँ से चला गया, मगर चिड़िया को अपनी मुश्किल का हल मिल गया। चिड़िया ने खुशी से चीख मारी, जी हाँ, चिड़िया अपने पड़ों को भूल ही बैठी थी। उसे अपनी बेअक्ली पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
और वो फिर से आसमान पर उड़ गई। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी खूबियों को पहचाने, मेहनत और कोशिश करके आगे बढ़ते जाएं। आए मजीद जाने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो जानवरों की ज़ुबान समझ सकते थे। शुक्रिया।